दिल्ली दरवाजे जा रहा हूँ। अभी जब जाने लगा था तब तो इतने लोगों ने एक्नॉलेज किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी जब जाने का टाइम हुआ है तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अभी मैंने तो ये जब से स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, उससे मैंने यही सीखा है कि भाई अकेले आए हैं, अकेले ही रहना है, अकेले ही जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस बंदे की शक्ल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उसने बड़ा मेरे से वादा किया था, रात को फ़ोन किया और मुझे यही कह रहा था बार बार, भाई मुझे ले जाना, मुझे ले जाना, मुझे ले जाना। अभी सुबह उसे फ़ोन किया है तो साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने तो जाना ही था। खैर अभी अकेले ही जा रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है आगे। वीडियो को देखते जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इतना अरसा, इतनी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी है, और कुछ नहीं तो लाहौर तो आपको पूरा दिखा ही लेंगे हम बड़ी अच्छी तरीके से। तो देखते हैं आगे। रोड बंद किया हुआ है इन्होंने, खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है उसकी वजह से। तो सो भाई सब रोड ब्लॉक थी, उसके बाद अभी ये इस तरफ से मेन रोड पे जाएंगे, देखते हैं यहाँ रोड ब्लॉक है कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल यहाँ से ब्लॉक होगी, लेट्स सी। नहीं यहाँ ब्लॉक नहीं है। तो अगेन हम मुल्तान रोड पे आ गए हैं, जिसे नेशनल हाईवे 5 भी कहा जाता है। ओ यस, यू टर्न लेके वापस आएंगे और अगेन हम आज़ादी चौक की तरफ। तो ये नॉर्मल चीज़ है रोड ब्लॉक होना लाहौर में। यहाँ तो ऐसे लोग हैं रात 2 बजे 2 गाड़ियों की ट्रैफिक फंसा लेते हैं, एक कहता है भाई तुम बैक करो, दूसरा कहता है तुम बैक करो। तो ये तो ऐसा शहर है, इसलिए नो वरीज, ये चलता रहता है इधर। अच्छा नेशनल हाईवे 5, ये मुल्तान रोड कहते हैं इसे, जीडी रोड से कनेक्ट होती है आगे, जो पिंडी तक पेशावर तक जाती है आपके पास। और इधर अगर दूसरी साइड पे हम जाते हैं साउथ वाली साइड पे, तो कराची तक जाती है ये रोड, मेन हाईवे है। हाँ तो ये आप देख रहे होंगे रॉन्ग वे आ रहे हैं लोग, अगर इनमें मैं हिट हो गया तो ये कहेंगे भाई किधर आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एंजॉय करें लाहौर को, ऐसे ही शहर है सर ये। और मेरी वीडियो में कोई गाली शाली आ जाए तो कोई नहीं, माफ़ कीजिएगा, हम भी लाहौर के ही हैं। तो लाहौर का लौंडा हो तो गाली तो निकल ही जाती है भाई। नवंबर की सुबह है आज जी, ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, ठीक है, मतलब इतनी है कि आपको जैकेट पहननी पड़ेगी। ओके ये ऑरेंज ट्रेन स्टेशन चुबुर्जी, ठीक है, हमारे राइट साइड पे थाना लिटन रोड आएगा, पुलिस स्टेशन लिटन रोड। हाँ हाँ हाँ, और ये चुबुर्जी चौक है,
हाँ बहुत मशहूर, बहुत पुराना हिस्टोरिकल जगह। इसको रेनोवेट किया है सरकार ने, ऑरेंज ट्रेन जब बन रही थी तब किया। ये सारा चबूजी चौक है, ये बीच में आपने देखा होगा चार आपको बुर्ज नज़र आए होंगे, उसके नाम पे है। ये MAO कॉलेज है, लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे आप, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये पाकिस्तान बनने से पहले का पता नहीं भाई किसने बनाया था, ये याद आ रहा मुझे, इतना ज़रा हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का तो शौक़ है ही कोई नहीं, हिस्ट्री में बिल्कुल ही नहीं था पढ़ने का शौक़, तो हमने कोशिश की कि हम पढ़ाई से थोड़ा दूर ही रहे, तो इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, विकिपीडिया से आपको पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। सो ये वो जगह है जहाँ से लोकेशन सारी लेता है गूगल। जब आप किसी भी शहर से या किसी भी जगह से लाहौर की लोकेशन डालते हैं तो सेक्रेटरिएट वो जगह होती है जहाँ की वो लोकेशन डाल के आपको उसका किलोमीटर्स बता रहा होता है कि इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है। वो पॉइंट अभी आगे आ रहा है, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से एग्जैक्टली गूगल लाहौर की लोकेशन लेता है। ये पॉइंट है, ये सिग्नल है, यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाते हैं तो ये सेक्रेटरिएट है, सामने DC ऑफिस कह लें इसे, सेक्रेटरिएट है। यहाँ से लोकेशन ली जाती है जब भी किसी भी सिटी से या किसी भी जगह से आप लाहौर की लोकेशन लेते हैं, ये वो पॉइंट होता है जहाँ वो लोकेशन आपको जरूरत है कि इतने किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 25, 175 जितना भी है, सेक्रेटरिएट की लोकेशन देता है हमेशा। क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है इसलिए ये DC ऑफिस है लाहौर का, एक कचहरी स्टेशन गुजर गया ऑरेंज ट्रेन और सॉरी मेट्रो बस का, ये गलती हो गई भाई से। अच्छा ये पनाहगाह है जो इमरान खान साहब ने बनाई है दाता साहब की। अगर आप कभी लाहौर आए हैं तो आपको दाता साहब के बारे में तो पता होगा, और मेरा पर्सनल ये है कि अगर आप कभी, आपको लाहौर में कोई आपका रिश्तेदार है वो जवाब दे दे, इनकार कर दे, वो ना मिले, खाना नहीं मिल रहा, तो ये ऐसा स्पॉट है कि इधर आके आप आराम से खाना खा सकते हैं बगैर पैसे दिए, लाइक जिसे लंगर कहते हैं, तो कभी भी आया जा सकता है यहाँ। रश आप देख लें इस टाइम भी, इस टाइम मेरा ख्याल है कोई 7:30 हो रहे हैं या 7:45 हो रहे हैं, इतवार की सुबह है 20 नवंबर 2022, तो रश तो यहाँ ऐसे है जैसे बस बहुत से बेरोज़गार इधर आते हैं, आवाम इधर आ रही है, बेचारे इधर अपना कोशिश करते हैं कि कुछ बन जाए उनका ज़िंदगी में, कुछ ऐसे ही वापस चले जाते हैं, कुछ लोगों का बन जाता है कुछ ना कुछ, तो वो इधर ही सेटल हो जाते हैं जी। ये हमारे पास आगे आ रहा है आज़ादी चौक, ऊपर बोर्ड पे आपको शो हो रहा था भाटी चौक, भाटी चौक बेसिकली भाटी गेट है लाहौर जो है, वो बेसिकली 12 गेट्स के अंदर था, 12 गेट होते थे इसके, मुझे एग्जैक्ट सबके नाम याद नहीं है, जिसमें से एक गेट दिल्ली गेट है जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो उन गेट्स के अंदर होता था लाहौर, एक किला बना हुआ था शाही किला भी उसके अंदर है, वो किला था, किला उसके अंदर था, उसके अंदर होता था लाहौर, तो बेसिकली लाहौर वो था। आज़ादी चौक है, बादशाही मस्जिद नज़र आ रही होगी आपको, वो मीनार पाकिस्तान है जिसे कहते हैं मैरेट ऑफ पाकिस्तान। सो आपको उर्दू भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, पंजाबी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यहाँ से। अभी ये रोड अगर हम सीधे चले जाते हैं तो ये शादरे चली जाएगी, और लेकिन हमने यू टर्न लेके वापस आना है। यस, और माशाल्लाह मुबारक हो आपको, मैं गलत आ गया हूँ बिल्कुल ही, मतलब अखीर हो गई है भाई। खैर कोई नहीं, इधर से फेरा लगा के जाएंगे, अब ऐसे तो नहीं जाते भाई। ये मीनार पाकिस्तान है,
बस ये व्यू देख के ना फिर रहा नहीं जाता यहाँ से गुजरे बगैर। यहाँ से आगे से यूटर्न लेके वापस जाके फिर दिल्ली दरवाजे जाएंगे इंशाल्लाह, और नाश्ता शायद वहाँ करूँ शायद ना करूँ। उधर की खताइयाँ बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा उसके बारे में खलीफा, अगर नहीं सुना तो लाहौर आए और उसे ज़रूर ट्रेस करें। अभी उसका रेट चल रहा है आज की तारीख में कह लें 1200 रुपये किलो है, बादामों वाली बहुत बहुत मज़े की खताई है उसकी। बाकी मतलब 1200 रुपये आपका पूरा हो जाता है भाई अगर आप ऐसी खताइयाँ खा रहे हैं। तो दिल्ली दरवाजे की गलियाँ आप इंजॉय करेंगे लाहौर में, वो कहते होते हैं कि ये इतनी छोटी गलियाँ हैं कि अगर एक तरफ से लड़का आ रहा है दूसरी तरफ से लड़की आ रही है तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है और कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो मेरे साथ चुकते चुकते आप इंजॉय करते रहेंगे, ये बातें ये चलती रहेंगी साथ साथ। ये माशाल्लाह रॉन्ग वे आ रहे हैं देखें, तो इनमें आप लगेंगे भी तो ये कहेंगे भाई अन्ना हो यहाँ तू नज़र नहीं आता, आप कहेंगे भाई तुसी गलत आ रहे हो तो तू तो देख रहे हैं ना। तो ये वाला हिसाब है लाहौर में जो कि आपको मिलेगा, इसको इंजॉय करना है आपने, इस पर गुस्सा नहीं करना क्योंकि यहाँ गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये रास्ता जा रहा है वो गेट जो है उनकी तरफ जा रहा है, अभी जहाँ से हम होके आए उस तरफ जाते आगे तो शाही किला आ जाता, वो भी यही रास्ता निकल आना था लेकिन वो बड़ा गलियों गलियों से निकलना था। सो ये रास्ता उसी तरफ जा रहा है जो गेट्स है, 12 दरवाजे कह लें आप, वो कवर किया हुआ था लाहौर को, एक पहले कैसल वगैरह होते थे तो कैसल कह लें आप, कैसल था एक जिसके 12 दरवाजे थे उसमें इसको छुपाया हुआ था। राइट साइड पे यहाँ उर्दू बाज़ार को रास्ता जाता है अंदर, यहाँ से बड़ी सस्ती चीज़ें आपको मिल जाती हैं स्टेशनरी की, किसी भी किस्म की स्टेशनरी, कोई बुक्स आपको चाहिए बुक रीडिंग के लिए चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल होगी। अभी आजकल ये राइट साइड पे देख लें ये मछली मंडी है, मछली मंडी जो ओरिजिनल मछली मंडी जिसे कहते हैं वो है, अभी लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, बस सर्दियाँ आ गई हैं तो मछली चलेगी। आ गया दिल्ली गेट का रास्ता 0.8 किलोमीटर। मंदूर वाली साइड पे कभी चक्कर ही नहीं लगा भाई, वैसे गूगल मैप्स ने मुझे गाइड बनाया हुआ है तो जो फंटरियों वाली बातें हैं वो हमसे पूछ लेता गूगल, और ये वाली बातें हमें नहीं पता भाई। तो ये भाई दिल्ली दरवाज़ा है और यस यहीं आना था हमने, अभी देखिए अंदर आपको गलियां पता चलेंगी। तो बेसिकली ये एक कासल था लाहौर, इसके अंदर लाहौर है, लाहौरिये भी वही हैं जो इसके अंदर शुरू से रह रहे हैं, अभी तो कोई सीन नहीं है कि अब जो आए हैं, लाइक आप मुझे भी कह सकते हैं कि लाहौर ऐसे है कि लाहौरिये नहीं है, हम लोग सारी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं रहे कभी भी, अभी यही चल रहा है। ये अंदरून लाहौर है, इसकी सड़कें हैं, यहाँ के सुना है लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, तो कभी किसी से फ्री खाना खा के देखेंगे फिर पता चलेगा कितने मेहमान नवाज हैं भाई। सफाई भी यहाँ बेहतर है, अभी इस टाइम भी काफ़ी बेहतर है सफाई, कोई ये नहीं है कि बहुत गंदा हो। अच्छा दिस वन इज़ मस्जिद वज़ीर खान, गोरे भी आए हुए थे यहाँ तो सारे भाई इधर लाहौर की खूबसूरती ही ये जगह है, यहीं लोग इंजॉय करने आते हैं और सब काम इधर ही चल रहे हैं भाई। ये सारी गलियाँ हैं दिल्ली दरवाजे के अंदर जाके, अब
अभी तो यहाँ कोई रश नहीं है, सुबह सुबह आ गया हूँ मैं, इसलिए आया हूँ कि रश ना हो, आप लोग सही तरह देख सकें। लेकिन दिन टाइम इतना रश होता है, दिन टाइम भी कभी इधर फेर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे इधर भाई, नाश्ते खाना पीना सिर्फ इधर का है, अंदरून लाहौर जिसे कहते हैं, दिस इज अंदरून लाहौर। वाह वाह वाह, बहुत बहुत छोटी गलियां इधर भाई, कमाल ही है। खलीफा की खताइयां पीछे रह गई हैं, अभी तो शॉप भी ओपन नहीं हुई होगी उनकी। ये बाजार है सारे, और कहीं तो रास्ता निकलेगा भाई, कहीं तो चले ही जाएंगे हम। नहीं है सैर ही करनी है, अंदरून की करी जाते हैं, क्या जाता है हमारा।